वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही झटपट सा एक मीठा बना रहे हैं और ये बहुत ही रेडीमेड सा मीठा है। अगर आपको जल्दी कुछ बनाने का मीठे का दिल हो तो आप ये बना सकते हैं। ये हम पुडिंग जेली बना रहे हैं जेली के साथ, और क्या कहते हैं, अगर आप ये दावत वगैरह में बना सकते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये देखें, ये मेरे पास ना ग्रीन जेली है थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी मेरे पास ब्लू जेली है। जेली मैंने जमा ली थी, ये देखें ये क्यूब में हैगी इस तरह। और ये मेरे पास बॉल है, इसमें हम लास्ट में असेंबल करेंगे। और ये मेरे पास एक, ये देखें, ये पैकेट हैगा पुडिंग का, ये रेडीमेड हैगा। इसमें चीनी वगैरह सब कुछ होती है, हमें कुछ भी नहीं डालना है। ये देखें हमारा दूध है हाफ़ के जी, हाफ़ लीटर ये हमारे पास दूध है। आपको इसमें ना चीनी डालनी है ना इलायची, कुछ भी नहीं डालना है। ये देखें, ये मेरे पास जो इंस्टेंट पैकेट हैगा ये पुडिंग का, ये मैं इसमें डालूँगी। दूध को मैंने बॉयल दे लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत अच्छा मीठा बनता है, आप इसको बनाएं। और ये बहुत जल्दी बन जाता है और जम भी जल्दी जाता है। इसको मैं बस 1 से 2 मिनट ऐसे चला के, और फिर ये ज़रा सा ही थोड़ा सा देखें, ये सारा घुल गया है इसके अंदर का। ये देखें आप, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट बना के और फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और फिर इसके बाद ना, पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे, और उसके बाद हम इसको डिश में असेंबल करके आपको दिखाते हैं। तो मैं अभी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, तो फिर आपको बताते हैं इसको रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो। अच्छा देखें, ये हमारा ये रूम टेम्परेचर पर हल्का हल्का आ रहा है, और ये अपना सेटिंग होने के लिए अब जा रहा है। तो इसे हम अपने बाउल में डाल देते हैं जिसमें हमें जमानी है। अभी भी ये थोड़ा गर्म है, देखें इसमें धुआं निकल रहा है, तो हम इसको इसमें डालते हैं। ये देखें, ये हमने सारा इसमें डाल दिया। जो देखें, ये हमारा ये हो गया। अब इसमें हम ये पहले ये जेली डालते हैं, हल्के हाथ से डालेंगे बहुत। इसको बस हल्का सा यूँ कर देंगे ताकि ये अंदर सेटिंग में आ जाए। और अब ब्लू वाली भी डाल देंगे। कलर ना जो, इसको बस मैं हल्का सा यूँ करूँगी खाली। ये देखें, इसको ज़रा सा चला देंगे बस। अब हम इसको सेटिंग के लिए छोड़ रहे हैं, अब ये जम जाएगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, देखें ये हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये तकरीबन 40-45 मिनट में बहुत अच्छी सी जम गई है। और इसका ऊपर का टेक्सचर देखें, बिल्कुल जमा हुआ है। और नीचे से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जेली यहाँ पर नज़र आ रही है। इसमें आप कलरफुल अलग अलग जेली डालें, ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके मैं किनारे देखें इस तरह यूँ कर लूँगी, ये बिल्कुल लूज़, ये देखें बिल्कुल फ्री हैं इसके किनारे, आपको नज़र आ रहा हो। इसको मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, इसको हमने निकाल लिया। अच्छा, आप ये जो रेडीमेड आप ये जो पुडिंग यूज़ करेंगे उसके साथ आपके साथ कैरेमल का भी पैक आता है, तो हमने पहले तो नहीं डाला था, अभी हम इसके ऊपर इसकी टॉपिंग कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत हो जाता है, आप इसके ऊपर इस तरह डालें, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें, ये आपकी बहुत अच्छा जल्दी बनने वाला है। इसमें आप रंग बिरंगी और तरह तरह की जेली डालें तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, ये हमने इसको कर दिया इसके ऊपर टॉप। ये देखें, ये आप डालें, इसका फ्लेवर कैरेमल का बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अभी हम आपको एक पीस कट करके दिखाते हैं कि कितनी अच्छी जमी है ये, आप इसको देखिएगा। ये देखें, जब आप इसमें कलरफुल अलग अलग जेली डालेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मेरे पास 2 कलर की जेली थी, इसीलिए मैंने 2 कलर डाले, लेकिन आपके पास ज़्यादा कलर के हों तो आप ज़्यादा डालिए। देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट जमी हुई है। ये देखें, ये इसके अंदर से जेली भी आ रही है, बहुत अच्छा बाइट है। आप खा के देखिए, इसको बनाएं, आप कलरफुल जेली के साथ बनाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें, और हमें बताएं कि आपको हमारी डिशेज़ कैसी लग रही हैं। तो जल्दी ही हम आपसे एक नेक्स्ट रेसिपी या रेमेडी में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।